मिठाई की दुकानों में छापेमारी, एक्सपायरी डेट का भारी मात्रा में मिला सामान, बेस्ट बिफोर भी अंकित नहीं, मिठाई के भी सैंपल लिए गए। जिला प्रशासन, फूड विभाग, अमहैया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई रीवा के सिरमौर चौराहे पर। मिठाई की दुकान में छापेमारी, एक्सपायरी डेट का भारी मात्रा में मिला सामान, बेस्ट बिफोर भी अंकित नहीं, मिठाई के भी लिए गए सैंपल। जिला प्रशासन, फूड विभाग, पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई रीवा के सिरमौर चौराहे। फूड विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की मिठाई के दुकानों पर छापामारी कार्रवाई, जब्त किए एक्सपायरी डेट के सामान, साथ ही जांच के लिए सैंपल। मिठाई के राजस्व विभाग के यतीश शुक्ला का कहना है, कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश पर फूड विभाग एवं राजस्व विभाग ने अमहैया पुलिस विभाग के सहयोग से सिरमौर चौराहे पर मिष्ठान दुकानों पर किया औचक निरीक्षण, एक्सपायरी सामानों की जांच। यहां पर प्रशासन को कई दिनों से सूचना मिल रही थी, कई मिष्ठान दुकानदार एक्सपायरी सामान बेच रहे हैं, जिसको देखते हुए आज फूड विभाग एवं प्रशासन की टीम दुकानों में पहुंचकर सामानों की जांच में जुट गई। जिन दुकानों पर एक्सपायरी सामान पाया गया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। खबर लिखे जाने तक जांच जारी थी। फिलहाल तीनों विभाग के संयुक्त दल ने महेश स्वीट्स, राधा स्वामी और शुभम स्वीट्स में अभी तक जांच की थी। ये सारी दुकानें सिरमौर चौराहे पर स्थित है। छापामार कार्रवाई में यहां पर जांच दल ने एक्सपायरी डेट का सामान जब्त किया है, साथ ही दुकानदारों को समझाइश दी गई है, जिस सामान में बेस्ट बिफोर ना लिखा हो उस सामान को वह न रखे। यही नहीं, फूड विभाग ने उन दुकानों के मिठाई के सामानों के सैंपल भी इकट्ठा किए हैं, अब इनको जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच में अगर यह मानक के अनुरूप ना मिले तो निश्चित रूप से उसको लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। कहा जा सकता है प्रशासन एक बार फिर से जुट गया है उन सामानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो दुकानों में बगैर एक्सपायरी डेट लिखे हुए बिका करते हैं, साथ ही एक्सपायरी होने के बाद भी दुकानदार चंद पैसों के लालच में उन सामानों को बेचते हैं। जिस तरीके की यह कार्रवाई हुई है मिठाई की दुकानों में, ये इस बात की तरफ भी इंगित करती है कि अब प्रशासन शायद ये चाहता है कि वो मिठाइयां ना बिके जो मानक के अनुरूप हुई है। मिठाइयों का आज सैंपल लिया गया है, अब इनको जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच में जो भी निकल कर आएगा, उसमें जो भी कमियां निकल आएंगी, उसके लेकर फिर इन मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी जांच जारी थी, एक्सपायरी डेट के सामान यहां पर इकट्ठा किए जा रहे थे, उन सामानों को भी एकत्र किया जा रहा था जिसमें बेस्ट बिफोर का समय नहीं अंकित। बेस्ट बिफोर का सीधा सा मतलब था कि उस सामान की कब तक खाने से आपकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनमें सामानों को जब्त किया जिनमें बेस्ट बिफोर नहीं लिखा था, साथ ही एक्सपायर हुए सामान जो कि बिकने नहीं चाहिए, ग्राहक के हाथों में नहीं जाने चाहिए, दुकानों में रखे हुए थे, उसको भी प्रशासन ने जब्त किया। इस बारे में हमने नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने छापेमार कार्रवाई को लेकर हमें क्या कुछ बताया। ये आज हमको शिकायतें प्राप्त हो रही थी, पुलिस स्टेशन से भी जानकारी प्राप्त हुई कि सिरमौर चौराहे में जो ये मिठाई की दुकानें हैं और महेश स्वीट राधा, यहाँ पर से कुछ एक्सपायरी सामान या कुछ जिन सामानों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं पड़ी हो उन सामानों का क्रय विक्रय किया जा रहा है। ग्राहकों के द्वारा भी शिकायतें बताई गई थी कि इन दुकानों से इस तरह के सामान का खरीदी बिक्री की जा रही है। उसी के संबंध में लेकर वरिष्ठ स्तर से भी हमको निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसी के तहत हम आज खाद्य विभाग, अमहैया थाना और प्रशासन की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। जिन भी दुकानों में हमको एक्सपायरी डेट का सामान मिल रहा है उसको हटा करके जब्त किया जा रहा है, साथ में सैंपलिंग कार्यवाही भी फूड विभाग के द्वारा जारी है। ये सिरमौर चौराहे पे आज हमारे द्वारा पर महेश स्वीट्स, राधा स्वामी और सुगंध स्वीट्स का औचक निरीक्षण किया गया संयुक्त टीम के द्वारा, और जो भी सैंपल हमको एक्सपायरी डेट के मिल रहे हैं अभी जिनमें बेस्ट बिफोर नहीं डाला हुआ है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डली हुई है, उन प्रोडक्ट्स को अलग करा रहे हैं। साथ में दुकानदार को समझाइश दी जा रही है कि वो सारे प्रोडक्ट्स पर अपने बेस्ट बिफोर जरूर कराएं। सैंपलिंग पे अगर उनके नियम के अनुरूप नहीं पाई जाती, मानक अनुरूप नहीं पाई जाती है, जैसा भी फूड विभाग में और कार्यवाही के निर्देश होंगे वैसे निर्देश कार्यवाही के ऊपर की जाएगी।